जहां कोरबा में आवारा मवेशी शहर वासियों के लिए परेशानी का सबब न बने, इस बात को ध्यान में रखते हुए नगर निगम ने सीतामणी कांजी हाउस का संचालन तो शुरू कर दिया था, लेकिन उनके खान पान को लेकर कोई व्यवस्था नहीं की गई। सूखा चारा और गंदे पानी के भरोसे मवेशियों को रखा जा रहा है, जिसके कारण कई मवेशियों की मौतें भी हो रही हैं। वित्तीय निगम की लापरवाही भी साफ नजर आ रही है। अगर परेशानी इतनी ही होती तो भी गनीमत थी, लेकिन जब बात मवेशी पकड़ने और उनके मालिकों से जुर्माना वसूलने के बारे में आती है तो निगम बड़ी जिम्मेदारी से सूची बनाकर जुर्माना वसूल रहा है, मगर इन्हीं मवेशियों के लिए घास भूसा और पानी का इंतजाम करना हो तो उन अधिकारियों और कर्मचारियों को पता नहीं क्या हो जाता है कि वो अचानक गैर जिम्मेदार हो जाते हैं। जब इस बारे में अधिकारियों से पूछा गया तो जवाब मिला कि सभी व्यवस्थाएं जल्द से जल्द दुरुस्त हो जाएंगी, लेकिन इन तस्वीरों को देखकर तो कुछ और ही लग रहा है। आज ही संचालित हुआ है, रात में, आज रात में ही 17 जनवरी आए थे और खाना पीना का तो पहले से व्यवस्था हो चुका था। मैंने भोसी जो है कुटी जो भी दाना वगैरह है वो पहले आ चुका था। अब पानी उनी? पानी की व्यवस्था पहले देख लिए थे, लेकिन जानवर नहीं आए, सफाई नहीं करवा पाए थे। तो कोरबा में सीतामणी कांजी हाउस की दुर्दशा बद से बदतर होती जा रही है। दरअसल शहर में घूम रहे आवारा मवेशियों को जब से सरकार की तरफ से आदेश जारी किया गया है कि उन्हें गौशाला में रखा जाए, तो ये आदेश तो जारी हो गया, एक खाना पूर्ति तो हो गई, लेकिन सवाल ये उठता है कि इनके रखरखाव के लिए प्रशासन या सरकार कितना ध्यान दे रही है, ये बड़ा सवाल है। क्योंकि जो दुर्दशा वहां पर नजर आ रही है वो बद से बदतर है। किस तरीके के पानी की व्यवस्था नहीं और जो चारा गायों को दिया जाता है उसकी व्यवस्था भी नहीं है, तो सवाल उठता है आखिर कब तक ऐसे हालात रहेंगे। और ज्यादा जानकारी के साथ स्वराज समाचार मनोज यादव फोन लाइन पर जुड़ गए। मनोज, सीतामणी कांजी हाउस की दुर्दशा बद से बदतर है, प्रशासन इस पर क्या कह रहा है और दुर्दशा कितनी दयनीय है, आप इस खबर पर जायजा ले रहे हैं, क्या हालात दिख रहे हैं? जी मनोज, सुन पा रहे हैं आप हमें? मनोज, आप तक आवाज पहुंच रही है? जी, आवाज आ रही है। जी तो मनोज, क्या दुर्दशा नजर आ रही है सीतामणी कांजी हाउस के जो पशुओं को रखने का जो इलाका है उसमें किस तरीके की दुर्दशा है और प्रशासन की तरफ से क्या जवाब है? नगर निगम क्षेत्र के जो सीतामढ़ी क्षेत्र में कांजी हाउस का संचालन किया जा रहा है उसकी हालत काफी खराब है। मवेशियों को जो है सड़क से उठाकर कांजी हाउस में रखा जा रहा है, लेकिन उनके लिए ना ही उचित चारा की व्यवस्था है ना ही पानी की व्यवस्था है। केवल मवेशियों को ला लाकर यहाँ रखा जा रहा है और सड़क में अभी भी उसके बावजूद भी सड़क पर मवेशी नजर आ रहे हैं, जिसके चलते आज दिन सड़क दुर्घटनाएं घट रही हैं, लोगों की जाने जा रही है, कई लोग घायल हो रहे हैं, कई तरह की समस्याएं सामने आ रही है आम लोगों के लिए। चलिए, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए मनोज। कभी पर्यटकों की